ओके फ्रेंड्स, तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने चेन, टेप और क्रॉस स्टाफ के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया है। जिसने भी मेरा वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद में ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो, हमने क्रॉस स्टाफ तक पढ़ लिया है। अब आगे का टॉपिक है कि इक्विपमेंट्स फॉर द एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। जब भी हम रेंजिंग करते हैं, एक लाइन है हमारे पास और उसके बीच में हमको रेंजिंग करना है, तो हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें इक्विपमेंट्स जो है या मेथड्स हम बोल सकते हैं वो है डायरेक्ट रेंजिंग विथ अ लाइन रेंजर, रेंजिंग और रेंजिंग आउट, रैंडम लाइन मेथड, डायरेक्ट रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। ये सब मेथड्स हैं कि जिस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, रेंजिंग के इंटरमीडिएट पॉइंट्स या फिर एक लाइन के इंटरमीडिएट बीच में पड़ने वाले पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक के हमारा मेथड है डायरेक्ट रेंजिंग विथ अ लाइन रेंजर। अब लाइन रेंजर क्या होता है? लाइन रेंजर एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो राइट एंगल आइसोलेटेड ट्राइंगल्स के प्रिज्म वहाँ पे क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि राइट एंगल के जो दो प्रिज्म हैं वो डायगोनली एक दूसरे के ऊपर पे कैसे हैं, लगे हुए हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे सिल्वर पेंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस सिल्वर पेंटेड में जो भी जो रेंजिंग रॉड लगे हुए रहते हैं उसका रिफ्लेक्शन उस सिल्वर पेंट, या फिर आप तरीके से बोल सकते हैं कि एक मिरर जैसा वो बिहेव करता है, और वहाँ पे वो कैसे देता है, एक रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, उस रेंजर का। तो इट इज़ प्लेस्ड ऑन अबोव द अदर, एक दूसरे के ऊपर वो कनेक्टेड रहते हैं। द डायगोनल ऑफ प्रिज्म सिल्वर पेंटेड टू फॉर्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिज्म जो कनेक्ट है, इसके जो डायगोनल पोर्शन है वो कैसा रहता है, सिल्वर पेंटेड रहता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्शन सरफेस कैसा होता है वहाँ पे क्रिएट होता है। अब इसके बॉटम पे एक हैंडल प्रोवाइड होता है, उस हैंडल से क्या करते हैं, हम इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं या फिर पकड़ करके रखते हैं। और साथ ही साथ नीचे की तरफ एक हुक भी प्रोवाइड होता है, और उस हुक से क्या लगे हुआ होता है, एक प्लम बॉब लगा हुआ होता है कि उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या कर सके, सेंटरिंग कर सके, प्लेसिंग कर सके ग्राउंड में। तो उसके नीचे पे जो हुक लगा हुआ रहता है उसमें क्या लगाते हैं, उसमें आप प्लम बॉब भी फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेंजिंग और रेंजिंग आउट। अब रेंजिंग और रेंजिंग आउट जो होता है, ये प्रोसेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंड स्टेशन इज ग्रेटर देन चेन लेंथ। इन केस मेरी एक चेन है, मेरे पास में 30 मीटर की चेन है, और जो मेरा डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, वो डिस्टेंस आपके उस चेन के कंपेयर पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या करेंगे आप एक चेन को बार बार उठा उठा करके क्या करोगे, उसको प्लेस करोगे दूसरी दूसरी लाइन पे। लेकिन अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिस लाइन से उससे रख रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन हो। तो उस जगह पे जो हम हर चेन के लास्ट में जो पॉइंटिंग करते हैं रेंजिंग से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग इन एंड रेंजिंग आउट। अब द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेंजिंग और रेंजिंग आउट। सो अब ये वाली प्रोसेस भी तीन तरीके से होती है। एक प्रोसेस का नाम है डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा प्रोसेस है इनडायरेक्ट रेंजिंग, एंड नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रैंडम लाइन मेथड। अब देखिए, लाइन को बीच बीच में तो आप रेंजिंग करते हैं, अब इसके तीन मेथड आ गए, तो नाम से आप समझ सकते हैं। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग मतलब जब हमारे पास में दो पॉइंट है ग्राउंड में, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी। अब जब हम पॉइंट ए में खड़े होकर के देख रहे हैं तो हमें पॉइंट बी भी दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, तो
तो उस कंडीशन में जब दोनों पॉइंट एक दूसरे से दिखाई दे, उस तरीके की जो प्रोसेस होती है और उनके बीच में जब हम रेंजिंग करते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रेंजिंग की गई है, तो उस कंडीशन में उस मेथड को जब हम देख सकते हैं और उनको देखते हुए, दोनों पॉइंट को देखते हुए हम बीच में क्या कर सकते हैं, रेंजिंग करते हैं, उस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग, नाम से समझ में आ रहा है। बट नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर है वो है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब इनडायरेक्ट से अब आप समझ सकते हैं कि जैसे अब डायरेक्ट में दोनों पॉइंट्स ए और बी विजिबल थे, अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, अब ए और बी क्या हो जाएंगे, इंटरविजिबल हो जाएंगे, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से वो दिखाई नहीं देंगे, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, हील आ जाएगा या कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट कैसे दिखाई नहीं देगा। तो उस कंडीशन में जब हम रेंजिंग करते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग की, कि एक पॉइंट था हमारे पास में ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में बी। अब इस कंडीशन में कैसे, बीच में कैसा है, एक यहाँ पे हिली जोन आ गया है। अब इस हिली जोन आने के कारण हमको ए से बी दिखाई नहीं दे रहा है और बी से ए दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हम ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैसे डालेंगे, क्योंकि हमको तो दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम ये इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके पैरेलल एक लाइन बनी है, अब अज्यूम करेंगे उस लाइन को और दोनों पॉइंट्स को नीचे की तरफ पैरेलली ले लेंगे। अब धीरे धीरे हमको ये C3 और D4 पॉइंट को लाना है। अब ये कैसे, अब हमको ये दोनों लाइन दिखाई दे रही है, हम ऐसा पॉइंट डिसाइड करेंगे जहाँ से हम उसको आगे बढ़ाएंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट को, तो अब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट एक दूसरे को कैसा हो जाना चाहिए, इंटरविजिबल हो जाना चाहिए। अब हम इसके केस में क्या कर सकते हैं, सी और डी को लोकेट कर सकते हैं। अब C3 और D4 तो हमने लोकेट कर दिए, अब हम इसको एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ डालेंगे, फिर भी हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम पॉइंट में हो। तो हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन का प्रोसेस करेंगे, मतलब ए से बी को बाइसेक्ट, डी को बाइसेक्ट करेंगे और बी से सी को, फिर देन सी से डी को, फिर बी से सी को, ऐसे करते करते एक पॉइंट हमें कहाँ मिल जाएगा, ए से डी का पॉइंट मिल जाएगा और बी से सी का पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट मेथड है आपका रैंडम लाइन मेथड। अब इस रैंडम लाइन मेथड में क्या होता है, इफ़ सर्वे लाइन पास थ्रू एनी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड पॉइंट्स आर नॉट लोकेटेड डायरेक्टली ऑन सर्वे लाइन। अब देखिए, जैसे कि एक कंडीशन है कि अब यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट डायरेक्टली हम लोकेट नहीं कर सकते, मतलब आप देख सकते हैं कि जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे हम बी में कहीं रेंजिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे या तो फिर कोई बड़ा सा पेड़ आ गया है या यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जंगल आ गया है, कि क्या बी पॉइंट वहाँ से हमको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रैंडम लाइन डलने वाली है उसको हम क्या करेंगे, एक जो सिमिलर ट्रायंगल जो होता है उस मेथड से हम ये काम करेंगे। जैसे कि अब ए पॉइंट से आप क्या करोगे, ए पॉइंट से कोई भी एक बी पॉइंट ऐसी जगह सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको वो क्या दिखाई दे, वो बी पॉइंट आपको दिखाई दे। अब ये ए से बी आपने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे आपने डाल दिया है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि ये ए आपका रैंडम लाइन है, आपने ए से बी बाइसेक किया, आप मानकर चलिए ए से बी डैश बाइसेक किया, अब ये बाइसेक्शन हो गया, हमको तो बी पॉइंट चाहिए था लेकिन हमने अभी यहाँ पे इसके पैरेलली एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जिसका नाम है बी डैश। अब बी डैश से हम एक ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करेंगे और वहाँ से बी डैश से हम एक रैंडम लाइन के हेल्प से एक 90 डिग्री का ऑफसेट डालेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने B से 90 डिग्री का एक ऑफसेट डाला तो हमारा क्या होता है,
कि ये लाइन आगे बी डैश की तरफ बढ़ी और यहाँ से यदि मैंने 90 का एंगल डालकर एक लाइन डाला तो ये ए लाइन कहीं ना कहीं उस बी लाइन को या बी डैश बी लाइन को वो क्या करेगी, कट करेगी। तो जिस पॉइंट में वो एक दूसरे को कट करेगी वो क्या कहलाएगा, आपका बी पॉइंट। अब ये ए और बी पॉइंट तो हमको मिल गए, लेकिन हमें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है ना। तो सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने यहाँ पे किए, सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ए और बी तो हमारे लिए इंटरविजिबल है, सॉरी बी डैश हमारे लिए इंटरविजिबल है, ए और बी हमारे लिए इंटरविजिबल नहीं था। तो हमने क्या किए थे, पहले बी डैश बनाया, वहाँ से 90 एंगल को ऑफसेट डाल करके बी पॉइंट लोकेट किया। सेम एज हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट ए और बी की जगह में डी डैश और सी डैश डालेंगे, और सेम आप बी डैश बी के पैरेलल या फिर हम डी से 90 का एंगल डाल करके यहाँ एक ऑफसेट डाल सकते हैं, सी में भी एक 90 का एंगल डालकर यहाँ एक ऑफसेट डाल सकते हैं, और वो ऑफसेट आपकी ए बी लाइन को कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेगा, और जिस लाइन पे वो बाइसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट पॉइंट सी और डी। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर लाइन मेजरमेंट विथ चेन। अब लाइन मेजरमेंट चेन की हेल्प से कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि स्मूथ ग्राउंड है, सिंपल एक प्लेन ग्राउंड है, तो क्या करेंगे, सिंपल चेन लेंगे, वन बाय वन क्या करते जाएंगे, हर एक पॉइंट में अपने एक चेन को रखेंगे, वहाँ पे जो लीडर है वो चेन की आखिरी में एरो फिक्स करेगा, और जब वो वहाँ से उठा करके उस चेन को आगे की तरफ मार्क करने लगेंगे तो जो पीछे जो छूटते जा रहा है एरो, वो एरो को जो उनका असिस्टेंट है वो एरो को क्या करते जाएगा, कलेक्ट करते जाएगा, और जितना भी एरो असिस्टेंट के पास में कलेक्ट होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। सिंपल इस तरीके से हम जनरली जो यूज़ करते हैं मेथड, उस मेथड को हम कहते हैं ऑन स्मूथ या लेवल ग्राउंड हम चेन मेज़र कर रहे हैं। बट इन केस एक स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, स्लोप है, तो उसे कैसे मेज़र किया जाएगा। जब एक स्लोप ग्राउंड आ जाता है तो चेन और जो भी टेप हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन पे एक हॉरिजेंटल लाइन बनना पॉसिबल नहीं होता है, जिससे हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकलना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब एक तरीके का स्लोप है और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, बट हमारा ग्राउंड तो इस तरीके से है, तो हम इस तरीके के ग्राउंड को इस डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो है ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए दो प्रोसीजर होती है, एक होता है स्टेपिंग और दूसरा है मेजरिंग अलोंग द स्लोप। अब स्टेपिंग और मेजरिंग अलोंग द स्लोप में क्या वेरिएशन है, इफ़ इन केस हमारे पास में छोटा सा पॉन्ड जैसा है स्लोप, मतलब जैसे कि इस तरीके से एक रोड जा रही है, मतलब एक लेंथ जा रहा है और ये दोनों इस तरीके से नीचे हो गया है, तो जब हमको ये डिस्टेंस पता करना है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो नीचे की तरफ सैग हो गया है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टेपिंग मेथड यूज़ करेंगे। और इन केस ये स्लोप जो है वो बढ़ते ही जा रहा है ना, अलॉन्ग दी लेंथ वो बढ़ते ही जा रहा है, उस मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग अलॉन्ग दी स्लोप। अब ये कैसे करते हैं, पहला मेथड था आपका स्टेपिंग, मेजरमेंट इज डन इन द स्टेप। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमको इस तरीके का स्लोप दे दिया है, अब इसको मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने लिए हैं ए, ठीक है, यहाँ से आप 5 to 10 मीटर तक अपने चेन को होल्ड करके रखेंगे हॉरिजेंटल, और उसके एंड में क्या करेंगे, एक प्लम बॉब को क्या करेंगे, फिट करेंगे। जैसे 5 to 10 आपने मीटर एक ए पॉइंट से होल्ड करके रखा है हॉरिजेंटल, और उसके एंड में एक प्लम बॉब आप क्या करे हो, कनेक्ट करके रखे हो। अब वो प्लम बॉब क्या करेगा, ये जो हमारे पास में सरफेस है यहाँ पर हमको दूसरा पॉइंट दे देगा जिसका नाम होगा बी, ठीक है। सेम एज अब मानकर चलिए ये हमको मिल गया पॉइंट बी, अब इस बी पॉइंट से फिर एक हॉरिजेंटल हम 5 to 10 मीटर हॉरिजेंटल आप एक चेन और टेप को होल्ड करके रखोगे, फिर नीचे पे एक प्लम्ब बॉब लगाओगे, फिर एक नया पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है सी, और ये प्रोसेस दोनों साइड चलेगी। जैसे सेंटर आ गया तो आप एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस यहाँ मेज़र कर सकते हो, एंड देन फिर प्लम्ब बॉब से आप नेक्स्ट कनेक्ट करोगे, नेक्स्ट कनेक्ट करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में
आगे की तरफ बढ़ेगा मेज़रमेंट और राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ बढ़ेगा, वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इस टाइप की जो प्रोसीजर है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेज़र की जाती है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड। ओके, अब नेक्स्ट मेथड था हमारे पास मेजरिंग अलोंग द स्लोप। इस मेथड में इन केस हमारा स्लोप बढ़ते ही जा रहा है तो उसे मेज़र करने के लिए हम उसका एंगल पता करेंगे। अब ये एंगल कैसे पता करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब जैसे कि हमको Q और P का हॉरिजेंटल डिस्टेंस पता करना है तो इसके लिए हम थीटा पता करेंगे और ये फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल्स टू PQ cos थीटा, ये एंगल। तो इस तरीके का जो मेथड है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एरर इन चेन। अब एरर इन चेन, चेनिंग जब हम मेथड सॉल्व करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स और एरर आते हैं। अब ये किसके कारण होते हैं, सोर्सेस क्या है इसका, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, सॉरी इसके सोर्सेस है, पहला आपका है जैसे कि रेंजिंग करने में बैड रेंजिंग हो, ठीक है, केयरलेस होल्डिंग हो किसी चेन की, टेम्परेचर वेरिएशन आ जाए, तो इस तरीके के सोर्सेस के कारण जो एरर्स जनरेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं दो टाइप के। पहला होता है आपका कंपनसेटिंग एरर जिसे हम रैंडम एरर भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका कुमुलेटिव एरर जिसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। दो तरीके की एरर हमारे चेनिंग में होती है। अब कंपनसेटिंग एरर इट मीन्स ऐसा एरर, ये भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ ऐसे लोकली बता रही हूँ आपको, जैसे कि कंपनसेटिंग एरर जो है ये दोनों डायरेक्शन में होता है और इसे कंपनसेट किया जा सकता है, और इसमें जो आपका रैंडम एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लेंथ जो भी आप मेज़र कर रहे हैं उसके। कुमुलेटिव एरर जस्ट रैंडम एरर का अपोजिट होता है, ये सेम डायरेक्शन पे होता है और इसको अकुमुलेट किया जाता है, ये जो है इंक्रीज होते जाता है या डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे हम एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं, और ये जो भी आपका सिस्टमेटिक एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बढ़ने या घटने के। तो ये दो तरीके का एरर हम अपने सर्वे, चेन सर्वे पे देखते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूलास यहाँ आप देख लीजिए, एरर एंड करेक्शन के लिए एरर इज इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस माइनस जो भी आप उसमें करेक्शन कर रहे हैं वो, करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस प्लस करेक्शन। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो एरर है और करेक्शन है वो कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो भी आप करेक्शन कर रहे हो मतलब उसमें से आप एरर को क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरर और करेक्शन के बीच का रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ करेक्शन, आप हमारा करेक्शन दो तरीके से होता है, पहला करेक्शन है आपका करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा करेक्शन है आपका करेक्शन फॉर स्लोप। अब ये करेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इट मींस जैसे कि हमें पता है करेक्ट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ इन टू लेंथ टू बी मेजर्ड या फिर नॉमिनल लेंथ ऑफ द चेन, या फिर इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं करेक्ट लेंथ एल इज इक्वल्स टू एल डैश मतलब चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, और एल डैश मतलब जो आप लेंथ मेजर्ड कर रहे हैं या मेजर्ड लेंथ। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल डैश डिवाइडेड बाय एल इनटू कैपिटल एल डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है, हमें पता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जो हमारा एक्चुअल लेंथ है उसमें से हमें जो मेजर्ड लेंथ है उसे माइनस करना रहता है, जो भी उनके बीच का वेरिएशन है वो आपका एरर या फिर उसका करेक्शन आप बोल सकते हैं। अब एल की जगह में हमने वैल्यूज पुट अप कर दिए हैं एल डैश बाय एल इंटू कैपिटल एल डैश, और एल डैश की जगह में उसकी वैल्यू है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एल जो है वो कैसे हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद में हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। तो हमारा जो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है वो है
एल डैश माइनस एल डिवाइडेड बाय एल इंटू कैपिटल एल डैश, जिसमें सी ए है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एल डैश है ट्रू लेंथ ऑफ चेन और एल है नॉमिनल लेंथ या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन और एल डैश होता है मेजर्ड डिस्टेंस। जैसे हमने ये लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाया, आप एरिया और वॉल्यूम के लिए भी बना सकते हैं। एरिया है तो एल डैश बाय एल का स्क्वायर होगा और वॉल्यूम है तो एल डैश बाय एल का क्यूब होगा। नेक्स्ट है आपका करेक्शन फॉर स्लोप। अब जब हम स्लोप में करेक्शन करते हैं तो दो तरीके से हमारे पास में रिजल्ट होता है। जैसे कि किसी स्लोप का यदि आपको एंगल पता है तो करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एल कॉस थीटा माइनस एल। अब ये एल क्या है, आप एल को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास में बचेगा कॉस थीटा माइनस वन, और हम यदि इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस एल वन माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इन केस आपके पास में इसका हाइट हो, जैसे कि ये एक तरीके का स्लोप है और इसका हाइट या फिर एलिवेशन आप बोल सकते हैं, वो एलिवेशन आपको स्लोप का पता हो, तो उस कंडीशन में एंगल पता ना हो स्लोप पता हो तो इस तरीके से आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस एल। एल हम कॉमन ले लेंगे, उसमें पावर 1/2 का पावर होगा, उसके बाद में हम यहाँ से जो हाइयर पावर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसे वहाँ से हम निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी कम आती है। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं सॉल्व करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन से केस में होगा, जब हमको एलिवेशन उस पॉइंट का पता है। अब ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो स्लोप है करेक्शन वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो जो भी स्लोप करेक्शन हो कोई भी कंडीशन का हो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं माइनस एल और यहाँ भी देख सकते हैं आप माइनस एच का स्क्वायर बाय 2l। तो ये आप फिक्स होता है कि हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव केस में होगा। तो अब लास्ट एक आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम क्वेश्चन बोलता है कि अ लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ 20 मीटर टेप इज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर लॉन्ग, द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ट्रू लेंथ जो है वो है 500, जो ट्रू लेंथ टेप या चेन की है वो 20 मीटर की है और जब हमने मेज़र किए तो हमको क्या दिखा रहा है 102। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि किसी की लेंथ 500 है और आपने जब मेजर्ड किए तो वो 102 मतलब ज़्यादा दिखा रही है। इट मीन्स जो आप टेप से कैलकुलेशन कर रहे हो वो टेप कैसा है, शॉर्ट है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज शॉर्टर। तो आपको क्या निकालना है, एल डैश निकालना है, मतलब उस टेप का एक्चुअल लेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ट्रू लेंथ इज इक्वल्स टू एल डैश माइनस एल इंटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, सो ट्रू लेंथ हमारा क्या है, 500 है, एल डैश बाय 20 इंटू 502 मीटर जो भी आपने मेजर्ड किए हो लेंथ को। इसमें जब आप रीअरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं एल डैश 500 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का और ये मल्टीप्लाई में है 502 तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। आई होप आपको ये रीअरेंजिंग आती होगी। तो इससे जब आप L देखेंगे तो 500 के साथ में 20 का मल्टीप्लाई हो गया और जो 102 है वो डिवाइड हो गया। जब आप इसे कैलसी से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.92। हमने पहले ही समझ गए थे कि हमारी जो जो टेप था उसका लेंथ कैसा है, शॉर्टर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस करके कि एक्चुअल उसका साइज हमको दिया था 20 का बट उसकी साइज आ रही है 19.92 मतलब वो 0.08 मीटर कैसी है, छोटी है, इसीलिए हमें ज्यादा रिजल्ट दे रही थी। सेम एज एरिया के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर कैरिड अ नोट स्टार्टिंग दैट द चेन 20 मीटर यूज्ड वॉज 0.8 लिंक्स 16 सेंटीमीटर टू शॉर्ट।
इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द प्लान हैड श्रंक सो दैट अ लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉज 9.77 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑन द अवेलेबल प्लान वॉज फाउंड टू बी 58.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द करेक्ट एरिया ऑफ द प्लान इन अ हेक्टो. अभी जैसे इसने बोला क्वेश्चन पे कि जो हमारे पास में चेन थी उसकी एक्चुअल साइज 20 मीटर थी बट वो 16 सेंटीमीटर छोटी है. तो अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर दिया है 20 मीटर को और 16 उससे माइनस कर दिया है. तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेंटीमीटर पे आ रहा था लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर पे. तो अब आप देख सकते हैं कि जो एल डैश की वैल्यू है वो 19.84 मीटर है और जो एल की वैल्यू है वो 20 मीटर है. अब उसने कहा कि जो हमारा प्लान था वो कैसा हो गया है, श्रंक हो गया है ना, सिकुड़ गया है. तो उस कंडीशन में जब यदि सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, उसका जो लेंथ थी वो कैसी शॉर्ट हो जाएगी. तो उसने वहाँ पे बोला कि जो साइज़ थी 10 का साइज़ था वो चेंज होकर के 9.77 हो गया. तो इसका हमने क्या निकाल लिया, श्रिंकेज फैक्टर निकाल दिया, उसका रेशो निकाल लिए. ठीक है, कि कितने रेशो से उस वो कैसा हुआ है, श्रंक हुआ है. अब हमें निकालना है करेक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड. अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है करेक्ट एरिया ऑन मैप इज इक्वल्स टू एल डैश माइनस एल और इसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, इनटू मेजर्ड एरिया इनटू डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर. अब स्क्वायर भी क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं. लेंथ रहता तो सिर्फ यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगता और यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगता, लेकिन अभी हम एरिया की बात करें इसलिए दोनों जगह पे स्क्वायर लगा है. और सिर्फ हमें करेक्ट एरिया निकालना रहता और वो श्रंक नहीं हुआ रहता तो हम श्रिंकेज फैक्टर भी नहीं कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे वो श्रिंकेज हुआ है इसलिए हमने श्रिंकेज फैक्टर भी इंक्लूड किए. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि चेन इतनी छोटी हो गई, इतनी थी एक्चुअल में, मेजर्ड हमने इतना एरिया किए और श्रिंकेज उसका इतना आया था, तो जब हमने वैल्यूज पुट अप किए तो हम देख सकते हैं करेक्ट एरिया ऑन द मैप हमें मिल गया है. बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड निकालने के लिए अब हमें मैप का यदि एरिया निकल गया है तो हम ऑब्वियसली स्केल के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या मिल जाएगा आपको, स्केल के साथ नहीं, हमें आरएफ के साथ में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो स्केल तो मैंने आपको स्केल और आरएफ के बीच में वेरिएशन भी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है. आप फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के जो भी लेक्चर्स मैंने लिया है वहाँ जा करके इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो एसएफ क्या, आरएफ क्या होता है, एसएफ क्या होता है, स्केल क्या होता है. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने उसे आरएफ में कन्वर्ट किया और आरएफ को कैसे एरिया कैलकुलेट करें इसलिए स्क्वायर किया है. लेंथ रहता तो हम सिंपली नॉर्मली लिख देते. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, यहाँ पे हेक्टर्स में है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.